अस्सलाम वालेकुम। आज तो सारे काम से फ्री होके मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो अभी 1 बज गया है और आज मैंने टिफिन भी नहीं भेजे हैं। तो सब ने हमने खाना खा लिया, बिट्टू ने नहीं खाया है। सोना भी देखो खा के ही उठा, तो बिट्टू भी उठ गया था ले पानी। और देखो सोना को ना हर बार यही नाटक रहता है, और बाबू जी भी लेटे में अभी इधर टीवी देख रहा है। और अभी आने वाली बाजी मतलब हमारी ननंद, तो वो भी घर पे आने वाली है बाबू जी से मिलने के लिए। और पानी ख़त्म हो गया था तो मैंने अभी टैंकर डलवाया टैंक के अंदर। तो गाइस कपड़े भी धुल चुके हैं, कपड़े धुल रहे हैं अभी खंगाले। पानी ख़त्म हो गया था हमारे यहाँ तो लेट हो गया कपड़ों में, नहीं था आज तो मैं टिफिन नहीं गया ना, बहुत जल्दी जल्दी काम हो गया मेरा सारा। तो यहाँ देखो कपड़े सूख रहे हैं, ये खंगाल लिए और यहाँ इतने और खंगाल के रख लिए मैंने। आज तो जल्दी जल्दी काम हो गया है, सिर्फ कपड़े डाल के आऊँगी अभी। और शाम को देखो बाजी आ रही है तो रुकती है कि नहीं रुकती हैं, तो फिर शाम का देखेंगे। अभी का तो फ्री हो गया क्योंकि खाने में मैंने पूड़ी और दाल बना रही हूँ, पूड़ी और बिट्टू के लिए गरम गरम, क्योंकि मैंने आटा उठा दिया था। और सोना गया है आज कपड़े डालने, आज उसको मैंने काम से लगा दिया है गाइस, तो ऊपर कपड़े डाल रहा है। पूड़ी बना रही हूँ यहाँ पे, देखिए गर्मा गर्म पूड़ी कितनी अच्छी बन रही है। जा रहे हैं अभी दाढ़ी बनवाने, और तोशी भी लाएगा सब्जी हो रही है, तो पपीता और ये सब लाएंगे अभी। अरे तो ये थैली दे तुम्हारी वाली। हाँ सर ले जा। बाबूजी पौधों को ही देखते रहे। बाबूजी वो तो सूख गया नहीं वो वाला है। पड़े रहते उनको फिर। तो मैं कल से कह रही थी बाबूजी से, बाबूजी दाढ़ी बनवा के आ जाओ, बड़ी बड़ी हो गई आपकी दाढ़ी, और मैं अपने अपनी दाढ़ी पे हाथ लगा रही गाइस। देखता मैंने अपनी दाढ़ी पे यूँ हाथ लगा। तो ये आएंगे जब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी, बर्तन वगैरह धोना। और बाजी आ गई, मिल के भी चली गई बाबूजी से, बना रही खाना। और ये लोग अब आए हैं यहाँ पे, और इतनी देर से आए, पास वाली आंटी भी आ गई तो मैं उनके साथ बात करने लग गई। तो गाइस ये तो लाए लौकी, तो मैं लौकी बनाऊँगी, अब क्या करूँ मैं तो ना उस इंतज़ार कर रही थी कि क्या लेने गए थे, सूजने की फली। इनके किसान है क्या ला दे। मैंने लौकी डाल दी, देखो कितना अच्छा कलर आया। और चाय भी बना ली थी मैंने साथ में, तो बाबू जी भी चाय पी रहे और मैं भी चाय पी रही। बाबू जी तो केले भी खा रहे हैं, केले और चाय साथ बाबू जी के। तो यहाँ मैंने तवा भी रख दिया है, रोटी बना रही हूँ, और यहाँ सब्जी भी बन रही है, और रोटी बनाने लग गई हूँ मैं बना लेती हूँ रोटी। और सोना है ना अभी 8:30 बज गया, लेकिन अभी तक कोचिंग से नहीं आया है, तो मैं बना लेती हूँ फटाफट रोटी। खाना बन चुका है और अब खाएंगे खाना। और तोशी भागिया भी तो टिफिन नहीं भेज रही थी, तो ये ना अभी कल के टिफिन रखे थे वहाँ पे, तो अभी तोशी भी लेके आ गया। देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनी, आल और चने की दाल। तो मैं छील लेती हूँ जब तक प्याज सलाद के लिए, क्योंकि मुझे ना ये ऐसी सब्जी रहती है ना, तो नींबू डाल के प्याज अच्छी लगती है। तो बस खाना खाएँगे, बाबूजी उठो नहीं आ जाओ। तो आज तो बाबूजी को भी भूख नहीं लगी थी,
बाबूजी को बस उसकी फिक्र रहती है, वो चला जाता है सोना अपना। तो 11:30 बज गया और मुझे टाइम ही मालूम ही नहीं पड़ा गाइस। और मैं जब से ना 5 मिनट ही ना, तो मैं जब से घूम रहे थे हम लोग, और ये एप्पल काट रहा है यहाँ पे, तो मैं बनाऊंगी अभी चाय, क्योंकि बाबूजी ने चाय भी नहीं पिया। बाबूजी कपड़े रख दिए, प्रेस करेगा अभी ये। ले कीड़ा आ गया था मेरे हाथ पे, जल्दी कर प्रेस। ये काट रहा है इधर आराम से, और मैं चाय बना लेती हूँ फटाफट। तो गैस 12:30 बजने वाला है, और मैंने अभी चाय पी है, और भी हस्बैंड से बात करी है, और ये इधर बैठा हुआ है, तो ये बोल रहा है मैं कपड़ों की घड़ी कर दूंगा। तो अच्छी बात है, कपड़ों की घड़ी कर देगा तो तो मैं आज तो मेरा ब्लॉग बहुत छोटा बना है ना, तो बहुत छोटा ब्लॉग बना आज, कल इंशाल्लाह अच्छे से बनाऊँगी। और अभी थोड़ा टाइम भी नहीं मिल रहा था सही साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, देखो टेंगा दिखाना तो गाइस एंड यही करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करा करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और शेयर करा करो, और अच्छे अच्छे कमेंट करा करो, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।